हर युग में कोई एक क्रांतिवीर बन कर आता है, नई अलख जगाता है, ज्योतिबा फूले महात्मा की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है, जो स्वाभिमान से जीने की नई राह दिखाता है, कभी सिर न झुकाता है, ज्योतिबा फूले महात्मा की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है, धन्य ज्योतिबा फूले हम तुमको नहीं भूले, धन्य ज्योतिबा फूले हम तुमको नहीं भूले। पुणे में था एक छोटा कटगुण गांव, जहाँ पे रहते चिमना बाई और श्री गोविंद राव, सैनी पिछड़ी जाति के थे थामाली का काम, पेशवने की 36 एकड़ भूमि के नाम, बाग बगीचा कारी करते फूलों का व्यापार, जिससे चल पाता था इनके भरा पूरा परिवार, काल बहुत था विकट व्यवस्था थी तब मनुवादी, सभी औरतें शूद्र श्रेणी में थी मानी जाती, शूद्रादि की गुलाम अवस्था बड़ी ही दुखदाई, गले में हांडी कमर पे झाड़ू पाप थी परछाई, ऐसे ही एक दौर में आशा ज्योत जलाता है, क्रांति लिख जाता है, ज्योतिबा फूले महात्मा की अमर ये गाथा है, इतिहास बताता है, धन्य ज्योतिबा फूले हम तुमको नहीं भूले, धन्य ज्योतिबा फूले।